हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस हफ्ते हम एक डिफरेंट वीडियो करने वाले हैं। एंड मैंने ये लास्ट वीक भी कहा था, बट आई एम सो सिक ऑफ सीइंग लाइक रियली नाइसली पुट टुगेदर वीडियोस। आई लव मेकिंग देम, मुझे बहुत मज़ा आता है। और एंड मैं वो वीडियोस ख़त्म नहीं करी, आई एम गोइंग टू डू लाइक रियली नाइस फैशन वीडियोस। बट आई थिंक अभी मैं एक ऐसे फेज में हूँ वेयर आई वांट द ट्रूथ। और अगर आप को भी सच जानना है तो देखिए, ओके, थोड़ा सा ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया ये, बट वॉट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट टुडे वॉज माई स्किन। आई हैव नॉट हैड गुड स्किन। अभी पता नहीं कैसे आजकल थोड़े दिनों से मेरी स्किन थोड़ी बेहतर हो गई है, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द फ्यू प्रोडक्ट्स दैट आई एम यूजिंग। तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, मगर आई डोंट वॉन्ट दिस वीडियो टू बी जस्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट्स। आई वॉन्ट इट टू बी अबाउट the truth. I want it to be about my skin. Rewind करते हैं 2012, actually no, 2013-14 जब मैं ACCA में थी, I had the worst acne breakout ever. मतलब बहुत bad scene था, इतना bad scene था कि I used to hate my skin. When I was doing my ACCA in university, it was the worst, like absolute worst. I can't even, like, मैं pictures obviously आपको दिखाऊंगी screen पे, you can see those pictures and you will see how bad my skin was. I just really wanted my skin to get better. और मैंने कितने सारे treatments कराए, went on so many medicines, मैंने इतने सारे मुख्तलिफ किस्म के face washes इस्तेमाल किए and nothing worked. और इतने like मोटे मोटे दाने हो जाते थे मेरी फेस पे। ये कि मैंने फिर एक्यूटेन शुरू की और एक्यूटेन ने मेरी एक्ने हेल्प को ख़त्म किया। और आई थिंक कोई एक साल तक मैंने डोजेज किया उसका एंड इट वाज फाइन, माय स्किन वाज परफेक्ट। मगर उससे ये हुआ कि मेरे फेस पे सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई और मेरे फेस पे बाल बहुत निकल आए। सो इट रियली कॉज्ड माई फेस टू बी हेयरी, लाइक इतने बाल हो गए कि आई वाज लाइक ओके, अब या तो ब्लीच ही कर सकते हैं इसको। तो जब ब्लीच किया तो माई फेस गॉट बर्न्ड, क्योंकि एक्यूटेन आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव कर देती है। आई थिंक उस टाइम की शायद मेरे पास इन तस्वीरें ना हो, क्योंकि मैंने वो डिलीट कर दिया, जिसको बेयर टू कीप देम। लाइक इमोशनली आई फेल्ट सो बैड एंड आई फेल्ट लाइक कि मेरा कॉन्फिडेंस चला गया, आई डिड नॉट फील प्रिटी, आई फेल्ट अगली, मतलब नेक्स्ट लेवल। सो होता है जब आप थोड़े छोटे होते हैं, मैं कितने साल की होंगी, 20, 21 साल की होंगी, 22 साल की होंगी, और उस टाइम पे ना आप इमोशनली थोड़े वीक होते हैं, आप मेंटली थोड़े वीक होते हैं, आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है। एक्ने हर किसी की मुख्तलिफ भी होती है। मेरी आई थिंक हार्मोनल अडल्ट एक्ने थी, तो वो मेरे लाइक एज सून एज आई हिट 20 मुझे वो शुरू हो गई, और आई थिंक मुझे गुड लाइक ऑन एंड ऑफ कोई 4 साल वो एक्ने रही। द हेयरी सिचुएशन ऑफ द फेस इज स्टिल वेरी मच देयर। आई थिंक एक्यूटेन ने ये एक साइड इफेक्ट दिया है कि इट हैज़, सर के बाल गिरते हैं मगर मुँह पे बाल बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो मैं अपने पहले ब्लीच करी थी, मगर फिर मैंने ओवर टाइम देखा कि मेरी ब्लीच से स्किन में खड्डे हो जाते हैं, लाइक आई स्टार्ट गेटिंग स्कारिंग, बिकॉज मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई थी कि ज़रा सा हार्श केमिकल उस पर लगता था देन इट वुड स्कार। जब आपकी स्किन साफ होती है, बोलते हैं चलो ठीक है अब एक्ने खत्म हो गया, देन यू आर ब्लेस्ड विद स्कार्स। तो यू नो आप फिर से थोड़े होते हैं कि यार ये क्या बकवास है। एंड इन रीसेंट टाइम्स आई फाउंड कि मेरी स्किन बहुत टायर्ड लगने लगी थी, बहुत ज़्यादा स्कारिंग दिखने लगी थी फेस पे। सो आई वॉज लाइक ओके, screw all the chemicals, going makeup free for a while as much as I can, using the lightest possible stuff, skincare ke lihaz se no harsh chemicals, like cut down product, use only a few things a few times a week, not even every day, and just see kya aapki skin ke sath kya hota hai. And I honestly have seen some great results and I cannot wait to show and share with you what I've been doing with my skin that it has gotten better. So stay tuned because I'm about to share with you all of that. So the number one thing that I'm doing is I am cleansing my face every now and then. इसके लिए आपको फ्रिज में इंग्रेडिएंट एक चाहिए होगा, जो कि दही है, हर किसी के घर में होता है, अगर नहीं है तो मंगवा सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। और उसके साथ साथ ये एक बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनिक, हम किशमिश ऑर्गेनिक का फेस स्क्रब इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा फाइन है, और इसको आप दही में मिला सकते हैं, हनी में मिला सकते हैं, मैं पर्सनली दही में मिलाती हूँ क्योंकि आई थिंक दही बहुत हाइड्रेटिंग है। और अगर आपकी स्किन टायर्ड है, पूरे दिन से आपने मेकअप लगाया हुआ है, आप जब धोते हैं तो थोड़ी सी लाइक डल लगने लगती है, सो दिस रियली लिफ्ट्स इट अप। अच्छा, सीन इसका ये है कि इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और ये डार्क सर्कल्स रिमूव करता है, हाइपर पिगमेंटेशन रिमूव करता है,
जैसे जो दानों के बाद रह जाते हैं, जो एक्सेस ऑयल होता है ना वो भी साफ़ करता है. मोस्ट ऑफ द एक्ने दैट इज़ कॉज्ड इज़ बिकॉज ऑफ ओवर ऑयल प्रोडक्शन, यूजुअली इन लाइक सेंसिटिव ऑयली स्किन. अगर आप थोड़ी नॉर्मल स्किन है आपकी, ड्राई स्किन है, तो फिर ऑब्वियसली ऑयल प्रोडक्शन से इतना सीन नहीं ख़राब होता है. मगर अगर ऑयली स्किन है देन ऑयल प्रोडक्शन एंड डर्ट कैन क्लॉग योर पोर्स, कॉज एक्ने. सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ क्लेंजिंग योर स्किन. दिस स्क्रब बहुत जेंटल है, बस आप इसको दही में मिक्स करके लगाएं और सर्कुलर मोशन में इसको आप रब करें अपने मुंह पे, और ये बहुत आसानी से आपकी स्किन को साफ कर देगा विदाउट एनी इश्यूज. इट डज नॉट स्क्रैच योर फेस, इट डज नॉट डैमेज योर पोर्स. आप देख सकते हैं माई स्किन लुक्स सुपर फ्रेश, सुपर हाइड्रेटेड. क्योंकि मेरे मुंह पे बहुत बड़े पोर्स हैं, आई एम यूजिंग दिस टोनर, और इससे ये होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स हैं इनको थोड़ा सा बंद कर देते हैं जो कि आपके पोर्स हैं. सो दिस टोनर इज़ परफेक्ट. ये प्रोडक्ट मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ अपना मुंह धोने के बाद बिफोर गोइंग टू बेड, और इसके बाद मैं फेस ऑयल यूज़ करती हूँ. पहले ये फुली ड्राई होता है उसके बाद फेस ऑयल आता है, बिकॉज दिस नीड्स टू कम्प्लीटली सिंक इन टू योर स्किन एंड देन यूज़ समथिंग मॉइस्चराइजिंग, एंड आई थिंक इट्स डूइंग वंडर्स फॉर माई स्किन. तो आज मैंने अपनी स्किन जो है वो थ्रेड कराई थी, और थ्रेडिंग के बाद जो है अगर आप नोटिस करें तो ना छोटे छोटे से दाने आ जाते हैं कभी कभार, लाइक वाइट हेड सॉर्ट ऑफ आ जाते हैं मेरी स्किन पे, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है. तो जैसे कि अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं, इट कैन लुक लाइक दैट. सो व्हाट आई डू इज़ आई यूज़ अ फेस ऑयल. फेस ऑयल आपकी फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दो अगर आपकी ऑयली स्किन हो, इसलिए क्योंकि वो आपकी स्किन का ऑयल बैलेंस करता है. और जो फेस ऑयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आई बीन टेस्टिंग इट आउट एंड आई वुड नॉट रिकमेंड इट इफ इट डिड नॉट वर्क, इज़ दिस रोज एंड वाइटमिन ई सीरम, जो कि किशमिश मरियम किशमिश का है. सो ये जो फेस ऑयल है इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल. इसके अंदर रोज एंड वाइटमिन ई सीरम है, इट हेल्प्स हाइड्रेट एंड रिवाइटलाइज स्किन, इट इज़ गुड फॉर एक्नी, ब्लेमिशेज, वार्ट्स, सन टैन भी रिमूव करता है, रिंकल्स के लिए है. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, उससे आपको एक एवरलास्टिंग रिजल्ट मिलता है. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस फेस ऑयल को चेक करें. मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक कर दूँगी. एवरी थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ गोइंग टू बी लिंक्ड इन डिस्क्रिप्शन. अस्सलाम वालेकुम, आज है दूसरा दिन और माय स्किन लुक्स सो मच बेटर देन लास्ट नाइट. तो मैं थोड़ा करीब आती हूँ कैमरे के, यू कैन सी कि इट इज़ नॉट फुली हील्ड बट इट लुक्स अमेजिंग. जो मैंने इस्तेमाल किया था वो सिर्फ यही था. मैं फिर से रात में इसको इस्तेमाल करूँगी एंड आई थिंक कल स्किन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी. अभी थोड़ी सी लाइक थकी हुई लग रही है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली जो थ्रेडिंग में पे. अपार्ट फ्रॉम द स्कारिंग इशू, आई थिंक स्कार्स जब मैं थ्रेडिंग करती हूँ थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं क्योंकि आपकी स्किन पे वो लगता है. बट आई फील कि थ्रेडिंग इज़ द बेस्ट वे टू कीप माई स्किन क्लीन एंड लुकिंग फ्रेश, वरना फिर ब्लीच से तो बहुत ऑफ सीन है. ब्लीच आई वुड नॉट रिकमेंड, इट्स रियली बैड फॉर योर स्किन, स्पेशली इफ़ यू हैव एवर बीन ऑन एक्यूटेन. आई थिंक एक्यूटेन पे होने के बाद अगर आप ब्लीच कराते हैं ना तो फिर तो सीन ऑफ हो जाता है. तो या दैट्स द अपडेट फॉर नाउ एंड लेट्स सी इन अ बिट. तो एक रियलिटी तो ये है दोस्तों कि चाहे आप जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, जितनी भी अच्छी डाइट रखें, कभी ना कभी आपके मुंह पे एक दाना तो ज़रूर निकलता है. और मोर ऑफन देन नॉट ये उन दिनों पे निकलता है जब आप चाहते हैं कि आपके स्किन पे कुछ ना निकले. तो इट्स ओके, डजेंट मैटर, इवन दो इफ़ यू आर स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम और आप लोगों को देखें विद परफेक्ट स्किन, परफेक्ट हेयर एंड फ्लॉलेस स्किन, जस्ट नो दैट दिस इज़ नॉट रियल, इट्स एयरब्रश्ड, इट्स एडिटेड. लोग आपको वही दिखाना चाह रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं. तो आईने के सामने खड़े होकर अपनी खामियां निकालना ना शुरू कीजिएगा, क्योंकि उससे और मामला ख़राब हो जाता है. एक दाना हुआ, सो वॉट, डू व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू टू डू, यूज़ आइस. आई थिंक बर्फ़ एक बहुत ही अच्छा नेचुरल तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. मेरी चिन पे ये दाना निकला था, इवन दो आई वॉज डूइंग एवरीथिंग राइट, बींग वेरी गुड, चॉकलेट्स भी इतने नहीं खा रही थी, बट जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही दाना निकल आया मेरी चिन पे. एंड मुझे यूजुअली यहीं पे एक्ने होती है, तो मैं बर्फ़ इस्तेमाल करती हूँ, घर में बैठी हूँ, अपने लैपटॉप पे काम करी, कुछ भी करी हूँ, आई एम जस्ट रबिंग एन आइस क्यूब ऑन माई फेस एंड यूजुअली 3-4 लगा कर मैं सो जाती हूँ एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग.
5-6 बर्फ मुंह पे मिलने के बाद आप देख सकते हैं कि रेडनेस जो सराउंडिंग एरिया में होती है वो ख़त्म हो गई और अब सिर्फ दाना ही रेड है. बर्फ़ एक बहुत ही अच्छा तरीका है, लाइक वेरी नेचुरल, स्कारिंग भी नहीं होती और तकरीबन 2-3 दिन लगते हैं. सो दिस वॉज डे 1, होपफुली 2 मोर डेज टू गो. तो या एक्ने इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई हैव टू लिव विद इट. अगर कुछ साल पहले की बात होती तो मैं अपना स्किन केयर रूटीन फ़ौरन तब्दील कर देती ये देख के मेरे मुँह पर दाना निकला है और पता नहीं कितने किस्म के प्रोडक्ट्स अपने मुँह पे लगाती. बट दिस टाइम आई स्टक टू व्हाट आई नो बेस्ट, जस्ट यूजिंग दिस टोनर बाय किशमिश. इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग टोनर. ये स्किन को बिल्कुल काम डाउन कर देता है, मतलब जो रेडनेस है, जो स्किन पे मतलब खलबली मची हुई है, इस टोनर के बाद स्किन बिल्कुल स्मूथ, सॉफ्ट, यू नो, बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें. सो इट्स परफेक्ट. एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग टू कीप योर सेल्फ गोइंग इज टू कीप टेलिंग योर सेल्फ के इट डजेंट मैटर. एवरी डे इज़ अ न्यू डे, इट्स अ न्यू स्टोरी एंड इट डजेंट मैटर. सी, बर्फ़ लगाने से दाना काफ़ी छोटा हो गया. यू डोंट हैव टू यूज़ अ जिलियन थिंग्स ऑन योर फेस टू मेक योर सेल्फ फील बेटर. जस्ट कीप इट लाइट, कीप इट नेचुरल. अस्सलाम वालेकुम. सो दैट वॉज़ द वीडियो. आई होप आपको पसंद आई हो. बहुत डिफरेंट थी एंड ऑनेस्टली मेरा बहुत टाइम से इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का दिल था क्योंकि मैंने पर्सनली एक्नी से बहुत स्ट्रगलिंग देखी है. जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, इवन हेयर एंड देयर, यू नो, कभी कभार बहुत दाने निकल आते हैं और एक बहुत ही हेल्पलेस सी फीलिंग आती है. आई हेट दैट फीलिंग एंड आई हेट फीलिंग हेल्पलेस किसी भी चीज़ में. बट आई थिंक हैविंग स्किन प्रॉब्लम्स एंड स्कारिंग एंड एक्नी, उससे आप बहुत सीखते भी हैं अपने बारे में कि आप कितने पेशेंट हैं, आप में कितना सब्र है, आप किस तरह से बुरी चीज़ को हैंडल करते हैं. एंड आई थिंक कभी कभार होता है कि सब कुछ अच्छा जाता है, यू हैंडल एवरीथिंग परफेक्टली, मगर कभी कभार आप सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं, आपको लगता है कि एवरीथिंग इज़ रॉन्ग. और आई थिंक ये सोचना कि हर चीज़ गलत है जस्ट बिकॉज यू हैव एक्ने ऑन योर फेस इज़ नॉट वेरी गुड. आई मीन, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरे मुँह पर एक दाना निकला था, मैंने बर्फ़ लगाई, 2-3 दिन में चला गया और बहुत अच्छी तरकीब है अगर आपको एक्ने है, ट्राई करें. जहाँ तक कि उन लोगों की बात है जो कि दूर से देख के बोलें कि ओ इसके मुँह पर तो बहुत दाने हैं, तो फिर दोस्त पीपल डोंट रियली मैटर टू यू. आई एम श्योर ऐसे आपके करीबी दोस्त शायद ना हो. कुछ लोग मजाक में आई नो बोलते हैं कि वो उसके मुँह पर तो दाने हैं, तो ऐसे लोगों को भी मजाक में अच्छा से जवाब दे देना चाहिए. आई थिंक हिसाब बराबर हो. पर्सनली आई थिंक इफ़ आई कैन सेट अ गुड एग्जांपल फॉर पीपल हु वॉच माय वीडियोस, दैट वुड बी ग्रेट. बिकॉज अगर मैं कैमरे के सामने विदाउट एनी मेकअप, रेडनेस ऑन माय फेस, लाइक दाने के स्पॉट्स ऑन माय फेस, अगर मैं सबके सामने आ सकती हूँ या जब मेरे मुँह पर दाने भी थे, अगर मैं आपके सामने बैठ सकती हूँ, तो फिर इतना मुश्किल नहीं है. बिकॉज सो मेनी पीपल आर गोइंग टू वॉच दिस एंड सो मेनी पीपल आर गोइंग टू बी judging me while they're watching this video. Okay, you know, judge हर तरह से होता है कि इसकी तो शक्ल अच्छी नहीं है, इसकी तो बॉडी अच्छी नहीं है, इसका तो नाक टेढ़ी है, इसकी नाक लंबी है, इसके दांत पीले हैं, इसके मुँह पर दाने, तो ऐसे तो हर वक्त लोग आपको देख रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं. मगर आप अपना मुँह छुपा के घर पर तो नहीं बैठ सकते. सो यू हैव टू कीप ऑन हसलिंग, यू हैव टू कीप. सो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, जितने कम इस्तेमाल करें उतना बेहतर है. आपकी स्किन को इतने प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं. ये जो प्रोडक्ट्स मुझे किशमिश से आए थे, दे वर सेंट टू मी बाय द ब्रांड और मैंने इसको टेस्ट आउट किया, मैंने आपको अपना रिव्यू दिया बिकॉज दे आर जेन्युइनली वर्किंग फॉर मी. एंड ऑनेस्टली मैं ये वीडियो में बैठ के झूठ नहीं बोलूँगी कि ओ यू हैव टू गो बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज द ब्रांड सेंट इट टू मी. No, if it wasn't working for me, I would not be talking about it. I've been struggling with sensitive skin and मैं हमेशा research करती हूँ कि मैं क्या इस्तेमाल करूँ, और अगर मैं कोई product लेती हूँ मेरे लिए काम नहीं करता है तो बस फिर बहुत दुख होता है. These products have genuinely worked for me. They're very gentle, natural range है. So try them out if you want. मैं इसके links वगैरह नीचे डाल दूँगी. So if you want to try them out, you can. And stay positive. पानी बहुत पिएँ, बर्फ लगाएँ अगर दाने निकलें, और अगर बहुत नेक्स्ट लेवल एक्ने है, देन आई वुड सजेस्ट कि एक दफ़ा एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करें ताकि आपको पता चले कि आपकी एक्ने की कॉज क्या है. क्या हार्मोनल है, क्योंकि मेरी एक्ने हार्मोनल है, हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है. जॉ एरिया पे यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंस होती है. चीक एरिया पे एक्ने किसी मुख्तलिफ रीज़न की वजह से होती है. माथे में मुख्तलिफ रीज़न, प्यूबर्टी एक्ने होती है माथे पे. सो अगर आपको अपनी डाइट चेंज करनी है, लाइफ स्टाइल चेंज करना है, ईटिंग हैबिट्स चेंज करना है, कंसल्ट अ डॉक्टर एटलीस्ट वंस ताकि आप अपनी एक्ने के बारे में और समझ सकें और फालतू में चीज़ें इस्तेमाल ना करना शुरू कर दें जस्ट बिकॉज
somebody said ki ye unke liye kaam kar raha hai doesn't necessarily mean ki aapke liye bhi kaam kare. So yeah, I just wanted to give a positive message in this video and I hope you enjoyed it. If you did, make sure to give it a big thumbs up. Aur azan ka ehtiram karte hue, khuda hafiz.